नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DS क्लासेज पे। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए मैथ पेडागॉजी को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले गणित की भाषा। गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से होकर गुजरती है। गणित की भाषा सामान्य भाषा के रूप में ही कार्य करती, अर्थात गणित पढ़ने के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती है। आगे गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। गणित की प्रकृति यथार्थ तार्किक अधिक स्पष्ट व क्रमबद्ध होती है। इसका प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर होता है। आगे गणित शिक्षण का उद्देश्य। गणित शिक्षण के उद्देश्यों को तीन भागों में बांटा गया है। NCF 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना। प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल एवं गणितीय संक्रिया का विकास करना। उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य परिकलन संबंधी कौशल एवं अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना। इसमें गणित शिक्षण उद्देश्य से सीटेट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें प्रश्न आते भी हैं। जब प्रश्न में कोई स्तर ना दिया गया हो, यानी प्रश्न में स्तर ना लगा हो, तब वहाँ पर ऑप्शन में छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीकरण करने वाले ऑप्शन को सही करेंगे। और यदि लगा है प्राथमिक स्तर या संकीर्ण स्तर, तो वहाँ संख्या संबंधी कौशल एवं गणितीय संक्रिया का विकास करना होगा उद्देश्य। यदि प्रश्न में उच्च स्तर लगा है तो वहाँ पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य परिकलन संबंधी कौशल एवं मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना होगा। तो इस प्रकार से इससे प्रश्न अवश्य आते हैं, पूछे ही जाते हैं। आप देखते हैं गणित भाषा के अंग। गणित भाषा के कौन से अंग होते हैं? गणित भाषा के मुख्य रूप से पांच अंग होते हैं। पहला पद, जिसे टर्म कहते हैं। दूसरा संप्रत्यय, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट कहते हैं। तीसरा सूत्र, जिसे फार्मूला कहते हैं। तीसरा सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं। और पाँचवा चिन्ह, जिसे सिंबल कहते हैं। ये पाँचों अंग मिलकर संपूर्ण गणित का निर्माण करते हैं। गणित का महत्व। गणित के महत्व को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्राथमिक स्तर पे, दूसरा उच्च स्तर पे। प्राथमिक स्तर पे सामाजिक या व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है गणित अध्ययन से। उच्च स्तर पर गणित शिक्षण से मानसिक विकास होता है। आगे गणित पढ़ाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया जाएगा। कक्षा कक्ष में गणित की भाषा को विकसित करने के लिए एक मशहूर लेखिका पमेला लियाबैक ने अपनी पुस्तक हाउ टू टीच मैथमेटिक्स में ELPS सीक्वेंस का वर्णन किया है। यानी उन्होंने अपनी इस पुस्तक में गणित पढ़ाने के एक सीक्वेंस का वर्णन किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है लेखिका का नाम और उसकी पुस्तक का नाम, या सीक्वेंस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ELPS की फुल फॉर्म। आगे देखते हैं ELPS सीक्वेंस है क्या। ई मीन्स एक्सपीरियंस, यानी साकार वस्तुओं के साथ अनुभव। कक्षा कक्ष में यदि आप गणित पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों के सामने कोई वस्तु प्रेजेंट करके उसके अनुभवों को शेयर करके उसे पढ़ाएं। EL लैंग्वेज, यानी साकार वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों से जो वार्तालाप करें उसका वर्णन है। P पिक्चर, चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना, यानी किसी बच्चे को किसी वस्तु का 1/2 बताना है तो एक संपूर्ण वस्तु का चित्र लें और फिर उसी का आधा चित्र लें और उसको एक्सप्लेन करें। अगला S मीन्स सिंबल, शिक्षक के द्वारा बच्चों को चिन्हों का बोध कराना। चिन्ह कौन से? प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, घटाना, भाग का चिन्ह, ये सब। गणितीय सोच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। गणित में सोच दो प्रकार की होती है, एक अभिसारी थिंकिंग, दूसरी अपसारी थिंकिंग।
पहला अभिसारी थिंकिंग यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, बंद अंत वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जा सके। ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं, जैसे पूछ लिया आपसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो उसका सिर्फ एक आंसर होगा, तो वो आपको बताना होगा। अगला पॉइंट, ऐसे प्रश्न अपने विचार का अवसर नहीं देते हैं, यानी ऐसे प्रश्नों में उत्तर आपको दिया रहता वही चुनना होता है, आप अपने विचार उसमें नहीं रख सकते। ऐसे प्रश्नों का उत्तर निश्चित होता है, यानी उत्तर पहले से ही निर्धारित होता है। अगला पॉइंट, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रत्येक वर्ष परीक्षा में एक प्रश्न पूछा ही जाता है, इसे खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न कह सकते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सके, ऐसे प्रश्न आइडियाज पर आधारित होते हैं, ऐसे प्रश्न अपने विचार रखने का अवसर देते हैं, ऐसे प्रश्नों का संबंध सृजनात्मकता से होता है। यानी अपसारी थिंकिंग वाले जो बच्चे होते हैं, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले जितने भी बच्चे होते हैं, उनको सृजनशील बालक कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अपने सीटेट एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।